गुरुओं की पूजा करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। इस साल 2023 में गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन वेदों के रचनाकार महर्षि व्यास का जन्म हुआ था, इसीलिए तभी से गुरु पूर्णिमा को व्यास जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। महर्षि वेद व्यास बाल्यकाल में अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा को प्रकट करने लगे, लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। लेकिन वेद व्यास जी के ज्यादा हट करने पर माता ने वन में जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु वन में चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मसूत्र की रचना की। तभी से आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। गुरुओं का स्थान इस संपूर्ण सृष्टि में गोविंद से भी बड़ा माना गया है। ज्ञान रूपी चक्षु को खोलने वाले गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन विधि विधान से गुरुओं की पूजा करनी चाहिए। इस दिन अधिकतर लोग प्रयास करते हैं कि अपने अपने गुरु के स्थान पर उनके पास जाकर उनके चरणों की वंदना करें, परंतु यदि आप नहीं भी जा सकते हैं तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई मानसिक पूजा और अर्चना का भी उतना ही महत्व होता है। आइए अब जानते हैं कि किस विधि से करनी चाहिए हमें गुरुओं की पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा और अर्चना करने पर विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने अपने गुरुओं का ध्यान करें और अपने अपने गुरु मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु कृपा से व्यक्ति का जीवन आनंद से भर जाता है। जल्दी सुबह में उठकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और इस पावन दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से हमें दोषों से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।